जीटीवी के शो रब से है दुआ का फाइनली नए लीड स्टार्स के साथ मेकर्स ने प्रोमो जारी कर दिया है। इस प्रोमो के सामने आने के साथ ही शो के तीनों लीड स्टार्स के किरदार और झलक दोनों सामने आ चुके हैं। सामने आए इस प्रोमो की बात की जाए तो कहानी 22 साल आगे बढ़ती नजर आई है, जिसमें सीरत कपूर और रेशा रुखानी शो में दुआ की बेटियों के किरदार में दिखी है, जिनका नाम है इबादत और मन्नत। प्रोमो में दोनों एक से ज्यादा निकाह के खिलाफ आवाज उठाती नजर आई हैं। हालांकि धीरज की एंट्री से साफ है कि दोनों को एक ही शख्स से प्यार होने वाला है और अतीत में जो कुछ दोनों की मां ने झेला था शायद उनकी जिंदगी में भी वही कहानी दोहराती नजर आए। देखा जाए तो प्रोमो में तीनों ही स्टार्स के लुक उनका अंदाज काबिले तारीफ है। येशा और सीरत दुआ की बेटियों के किरदार में एकदम दमदार तरीके से लाजवाब दिखी है, तो वही धीरज की एंट्री उनका लुक बेहद धासु है, जबरदस्त है। लेकिन इस प्रोमो को देख अब जनता में बवाल भी मच रहा है। दरअसल एक तरफ जहां फैंस धीरज, सीरत और येशा को शो में देखने के लिए बेताब है, खुशी जाहिर कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रोमो में एक बार फिर से लव ट्रायंगल का इशारा मिलता देख लोग काफी बवाल मचा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि शो में वही घिसा पीटा ट्रैक दोहराया जा रहा है। लोगों का कहना है कि इससे अच्छा तो शो को बंद ही कर देना चाहिए था। देखिए जरा लोगों के कमेंट को। एक यूजर ने लिखा, टिपिकल स्टोरी अगेन, धीरज विल क्विट अगेन दिस शो। फिर से दो बहन एक लड़के के पीछे, कोई तो नई कहानी दो। हालांकि कई फैंस धीरज को लंबे वक्त के बाद किसी शो में देखने के लिए बेताबी भी जाहिर कर रहे हैं और भर भर कर अपना प्यार उड़ेल रहे हैं। आपको बता दें कि शो में नए लीड स्टार्स की एंट्री 21 फरवरी से होने वाली है। ऐसे में अब देखना तो ये है कि लीप के बाद की कहानी को क्या जनता का प्यार मिल पाएगा और आखिर किस तरह से मेकर्स ने लीप के बाद की नई कहानी को गढ़ा है।